अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआओं से, बल्कि हम सब आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, मौसम जो है आजकल बड़ा ही अबर आलूद है, मतलब बारिशें ही बारिशें हो रही हैं और मूसलाधार और लगातार और क्या बोलते हैं बार बार हो रही है। तो खैर, बारिशों का मौसम है और काम तो वह रुकते नहीं है, इसलिए मुझे तो बाहर आना था तो आ गई, बच्चों के साथ लेके आई थी। पहले हस्बैंड को खाना दिया, फिर उसके बाद जाने थे शूज़ वगैरह लेने थे, मार्केट जाना था, इसलिए फिर वहाँ गए, क्योंकि काम तो भाई यहाँ पे रुकते नहीं है। अपना वो वाला सीन थोड़ी है बचपन वाला, जब हम छोटे होते थे तो जब बारिश की दो कतरे पड़ने और हम लोग को खुशी हो जाती थी, वाह आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा सा नाला आता था ना, तो वहाँ पर इतना पानी जमा हो जाता था कि वहाँ से बस भी नहीं निकल सकती थी, तो इसलिए फिर हमारी तो हो जाती थी छुट्टी। कभी कभार चले भी जाते थे, पानी का उतरने का वेट करते थे। तो जब ऐसी बरसात लगती है ना, ऐसे लगातार जब बारिशें होती हैं ना, तो मुझे अपना बचपन हमेशा याद आ जाता है। मुझे याद आता है, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, वो झड़ी लग गई है, तो झड़ी लग जाती है ये, तो फिर वो बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम लोग जो है ना वो बारिश में ऐसे जाम ही हो जाते थे, घरों में बाहर नहीं निकल पाते थे, और इतनी लगातार सात सात दिन, आठ आठ दिन बारिशें जो है वो लगी रहती थी। तो वो वाला मुझे सीन याद आ जाता है। और एक बार तो ऐसे हुआ था, हमारा जो जानवरों का कमरा था ना, मतलब ज़ाहिर है गाँव में जानवर तो होते ही हैं, तो जानवरों का कमरा था, उसकी छत जो कच्ची थी तो वो छत गिर गई और इतना ज़्यादा पानी उधर से जाए, तो फिर वो भी मुझे बहुत याद आता है। जब मैं बारिश को देखती हूँ ना, मुझे वो सीन भी याद आ जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना अक्सर रिलेटेबल हो जाती हैं, याद आ जाती हैं, और फिर इंसान जो है ना ऑटोमेटिकली स्माइल करता है और याद करके मुस्कराता है, खुश होता है, वो यादें तो अच्छी लगती हैं ना। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपकी कौन सी एक अच्छी सी याद है। एक ही व्लॉग के दूसरे दिन में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब। तो अभी जो है हम लोग बाहर निकले हुए हैं, इससे पहले कि बारिश फिर से हो रहा है, हमने सोचा कि थोड़ा चक्कर लगाते हैं, थोड़ी तो बारिश रुकी हुई थी, थोड़ा ब्रेक मिल गया है। कल तो बस आके बाहर से घर के काम काज और थोड़ा रेस्ट, बस ऐसे ही टाइम नहीं मिला फिर बनाने का, और कुछ खास था भी नहीं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि बारिश जो तीन दिन से लगातार हुए जा रही थी, उसके क्या असरात हुए हैं और कितना पानी जमा हुआ है। नॉर्मली आप लोग वो पानी देखते ही हो ना कितना होता है, इस बार देखते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है। स्टेडियम फाइनली हम लोग पहुँच आए हैं जहाँ पे पानी है। तो देखिए, ओह माय गॉड, आज तो ऊपर से चलते हुए भी डर लग रहा है कि पानी में ना गिर जाऊँ। ये इतना ज़्यादा हुआ हुआ है, बल्कि पहले से थोड़ा कम हुआ हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्रास है ना, इसके ऊपर तक गया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। ये देखिए कैसे जो है ना वो नहरें बह रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं पीछे। तो के डर किसको लगा? मुझे नहीं, आप लोगों को डर नहीं लगता। मैं ऊपर जब चल रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। देखिए पानी पास से देखे जरा कितना ऊंचा जो है वो आया हुआ है। वैसे दिल था कि मैं बच्चों के साथ जाऊँ, पानी देख कर आऊँ कि कितना ऊपर तक आया है। तो सुबह भी जब मैं बाहर निकली थी तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, तो अभी जो है काफ़ी देर से रुकी हुई है और थोड़ा सा जो है वो वक्फा दिया हुआ है बारिश ने। चंद बड़ा हसीन है, कैसा लग रहा है नाला? अच्छा मौसम है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी मज़ेदार गर्मी लग रही है, और हम लोग जैकेटें पहन के आ गए हैं कि बारिश होनी है, तो चलो ऊपर वो टोपी छोपी पहन लेंगे सर पे। छतरियाँ तो हम लेकर नहीं आए, हम छोटा सा राउंड लगाने आए थे, लेकिन दुआ फातिमा का दिल है कि वो थोड़ा सा झूला ले ले। बारिश होने वाली है, दुआ दुआ बारिश होने वाली है। तो कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लोग जाएंगे स्कूल और फिर मैं अपने काम काज में बिज़ी हो जाऊँगी। तो दो हफ्ते इन्होंने खूब इंजॉय कर लिया, अब महीना डेढ़ जो है ना वो जाएंगे स्कूल, स्कूल इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर से छुट्टियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह गर्मी होगी। बेबी आगे देखो, गिर जाओगे बेबी, पीछे देख रही हो, ये झूला नया लग गया बच्चों के लिए, अब इनकी मौजें होगी। फातिमा को पार्क में से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत ही मुश्किल काम है। बारिश जो है वो हल्की फुल्की होने लगी है और हम लोग जा रहे हैं घर, इससे पहले कि तेज़ हो जाए, क्योंकि आजकल जो है ना बड़ी मूसलाधार हैं और तेज़ तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो चलते हैं घर, जाके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। एक बात है कि आज जो है ना बारिश ने थोड़ा सा वक्फा किया है ना, ब्रेक हुआ बारिश का, तो इतने सारे लोग बाहर निकले हुए थे, इतना रश था, इतना रश था, क्या बताऊँ, हर तरफ से बस लोग ही नज़र आ रहे थे। लोगों ने भी शुक्र किया कि थोड़ा सा जो है ना वक्फा हुआ और बाहर निकले। मौसम का तो ना पूछें, इतना हसीन है, इतना प्यारा, दिल करता बंदा बाहर है, लेकिन बारिश जो है वो फिर से आ गई, इसलिए हमें घर जाना पड़ रहा है। तो अभी जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो देख के। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।